नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजू भारती जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के लिए लगा दिया है, जिन्होंने यूपीएससी की पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने तहा उम्र शादी ना करने की भी कसम खाई है और बहुजन समाज के लोगों के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। राजू जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है एसएम न्यूज़ में। धन्यवाद आपके चैनल का और आपकी पूरी टीम का। राजू जी, एक बात बताइए, आप बहुजन समाज से हैं, बहुजन समाज के मंचों को जाते हैं, उनकी बढ़ चढ़ कर बात करते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें बहन कुमारी मायावती की, तो उनके बंगले के ऊपर बहुत सारी वाद और विवाद दोनों चीज़ें होती हैं। क्या ज़रूरत है इतने बड़े बंगले में बहुजन समाज की पार्टी की नेता को रहने की और उसमें कार्य करने की, उसके बारे में आप थोड़ा खुलासा करें कि वो क्या है जो बहुत बड़ा बंगला विवादों में रहा था उसके बारे में। देखिए, पहली बात तो आपने जो कहा उसी में आपके सवाल का जवाब छुपा हुआ है, क्योंकि आपने कहा कि क्या ज़रूरत है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को बड़े बंगले में रहने की। आपने खुद ही कह दिया क्या ज़रूरत है बहुजन समाज, कहा आपने जी। इस देश का 85% को मिला के क्या होता है बहुजन समाज। जब इतना बड़ा बहुजन समाज है और बहन जी से मिलने के लिए कभी कभी हजार हजार दो दो हजार लोग जाते हैं, आप बताइए, माननीय बहन जी अगर बड़ा कार्यालय नहीं बनाएगी अपनी समाज के लिए, अपने लिए नहीं बनाया जी। बहन जी भारत की राजनीति का एक मजबूत स्तंभ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। भारतीय राजनीति में चार चार बार एक भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और आयरन लेडी का उन्हें खिताब मिला है, जिंदा देवी का खिताब मिला है, समाज जिंदा देवी कहता है। और तो और सात समंदर पार जब इस देश की आठ ताकतवर महिलाओं की, मैं खास करके उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो बहन जी पर सवाल करते हैं, ठीक है, तो इस देश के अंदर आठ ताकतवर महिलाओं की खोज होती है, एक सर्वे होता है, उसमें आदरणीय बहन जी का नाम आता है। आप सोचिए, बहन कुमारी मायावती जी दुनिया की आठ ताकतवर महिलाओं में एक हैं, तो उन्हें कितनी सुरक्षा मिलना चाहिए, उनको कितनी सिक्योरिटी मिलना चाहिए, उनका कितना हिफाजत से इस देश की धरोहर है बहन जी। इस देश में दबे कुचले समाज की आवाज़ है बहन जी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, मसीहा कांशीराम जी के बाद, आज इस देश के दबे कुचले समाज की, बहुजन समाज की और गरीब सर्व समाज की आज बहन जी नेता हैं, बहन जी मसीहा हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, ये बात पूरा देश जानता है। और बंगले की बात तो आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं, हम तो 2019 में बहन जी को पूरा लाल किला देने वाले हैं, पूरे देश की विरासत देने वाले हैं, ये बंगला तो बहुत छोटी बात है। सवाल उन पर भी उठाना चाहिए जिन्होंने करोड़ों करोड़ों कांग्रेस के नेताओं ने राजघाट पे सिर्फ समाधि में करोड़ों रुपए खर्च करके कांग्रेस के नेताओं की समाधि बनाई है। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल भी करिए, इस देश में धर्म की राजनीति करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अरबों खरबों के मंदिर बनाए, अरबों खरबों के सीसीटीवी कैमरे लगाए, करोड़ों करोड़ों का उसमें दान दक्षिणा आती है जो जन कल्याण के लिए हित में खर्च नहीं होती। आप करिए ना सवाल, एक इस देश के बहुजन समाज की शेरनी, इस देश में दबे कुचले समाज की बुलंद आवाज, जिसने पूरा जीवन अर्पण कर दिया, जिसने पूरा जीवन अर्पण कर दिया, जिसने शादी नहीं किया, जिसने अपना घर द्वार छोड़ दिया, जिसने मसीहा कांशीराम जी के एक कहने पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जिंदा किया है, मानवर कांशीराम साहब के त्याग को जिंदा करके बैठी है, इतने इल्ज़ाम लगते हैं, इतने सुप्रीम कोर्ट में केस चलते हैं, फिर भी बहन जी जीत जाती है, आय से ज़्यादा संपत्ति का केस लगता है फिर भी बहन जी क्यों जीत जाती है। साथियों, चोर जो होता है ना वो छुपाता है संपत्ति, आदरणीय बहन जी पे फख्र है कि मैं ऐसी बहुजन समाज पार्टी की नेता का सिपाही हूँ जिसने मीडिया को बुलाकर अपने बंगले में लखनऊ में मीडिया को बुला के कहा कि देखो, मैंने ये बंगला जो बनाया है ये मेरे बहुजन समाज की गाड़ी कड़ी मेहनत से बहन जी को गिफ्ट दिया है, बहन जी को एक एक रुपया कार्यकर्ता देता है, वो चाहते हैं हमारी नेता बड़े बंगले में क्यों नहीं रहेगी। भाई, एक भारत की राजनीति में जो स्तंभ रखती है, जो आठ ताकतवर महिलाओं में जिनका नाम है, जो भावी प्रधानमंत्री इस भारत की है, उस बहन जी को क्यों हक नहीं है रहने का। अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के तो पार्षदों का बंगला देखो अरबों खरबों रुपये का होता है, तो वहाँ तो क्वेश्चन नहीं होता। एक बहन जी जो इस बहुजन समाज की, दलित समाज की है, इसीलिए बहन जी पर क्वेश्चन होता है। तो साथियों, मीडिया को बुला के मिठाई भी खिलाया बहन जी ने और पूरा बंगला दिखाया है जिसमें विरासत है
बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के चित्र हैं, जिसमें अच्छे से बनाया उस बंगले को, वो बंगला नहीं, वो हमारा प्रेरणा केंद्र है, तुम्हें बंगला दिखता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पत्थर तुम्हें पत्थर लगता है, और जो मंदिर में जो पत्थर लगा हुआ है उसे तुम भगवान कहते हो। और अगर सिंधु घाटी की सभ्यता को उजागर करने के लिए बहन जी लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके अगर इस देश के अंदर बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को आदर सम्मान देती है, हाथी लगाती हैं, मूर्ति लगाती हैं, तो उस कहते हैं जी पत्थरों में पैसा लगाया है। अरे पत्थरों में पैसा नहीं लगाया, बहुजन समाज का एक एक युवा जानता है कि बहन जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता को उजागर कर दिया है। बहन जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता को उजागर करके एक प्रेरणा केंद्र बना के, एक अम्बेडकर भवन बना के, एक डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक बना के, पार्क बना के, रमाबाई मैदान बना के लखनऊ में ये बता दिया कि आने वाले 10,000 साल तक दुनिया की कोई ताकत बहुजन समाज को इस प्रेरणा केंद्र जो स्थल और जो पार्क बने उससे बहुजन समाज प्रेरणा लेता रहेगा। ये हमारा इतिहास है, तुम्हें पत्थर लगता है लेकिन वो हमारा इतिहास है, जिसे मैं भली भांति समझता हूँ। मुझे गर्व है कि ऐसी बहन कुमारी मायावती जी के हम सिपाही हैं। आदरणीय बहन जी भारत की प्रधानमंत्री 2019 में बनेंगी, उसके बाद आप देखिएगा, ये तो कुछ भी नहीं है। इस देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जब भारत के प्रधानमंत्री बनेंगी, ऐसा भारत का कोई जिला नहीं होगा जिसमें बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के आदर और सम्मान में मूर्ति न लगे, आदर और सम्मान में पार्क न बने, उनके नाम से योजनाएं न बने। ये उनका हक है। इस देश के अंदर जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से योजनाएँ बनती हैं, उनके अस्पताल बनते हैं, तो कोई सवाल नहीं उठता। इस देश के अंदर महात्मा गांधी जी से लगा के, नेहरू जी से लगा के, श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लगा के, राजीव गांधी जी से लगा के, कांग्रेस के तमाम ब्राह्मण समाज के नेताओं के नाम से जब भारत के कई बड़े अस्पताल बनते हैं तो कोई सवाल नहीं उठता। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अगर अपने बहुजन समाज के महापुरुषों के इतिहास को जीवित करने के लिए एक बंगले में बड़े बड़े स्टैचू लगा लेती है, उनके आदर सम्मान में फोटो लगा देती है, जो लोग देखने आते हैं, बहन जी से मिलने आते हैं, तो वो एक प्रेरणा लेके जाते हैं, तो बड़ा दर्द होता है। मैं समझता हूँ कि ये सवाल कोई वैसा सवाल नहीं है जिसे सार्वजनिक किया जाए। बहन जी एक नेता है राष्ट्रीय स्तर की, उनको अधिकार है इतने बड़े घर में रहने का, और कोई बड़ा घर नहीं है। आप जाके देखिए ना, बड़ा घर किसका है, आप जाके देखिए प्रधानमंत्री का कितना बड़ा घर है, आप जाके देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कितना बड़ा घर है, और घर के अलावा उनके कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, आप देखिए ना, उस पर सवाल क्यों नहीं करते। तो बहन जी का जो भी डिसीजन होता है वो हम लोग इसलिए मानते हैं कि बहन जी अपने लिए नहीं करती, बहन जी की जो भी संपत्ति है, जो भी बहुजन समाज पार्टी की संपत्ति है, वो बहुजन समाज की है, और इसलिए बहुजन समाज की संपत्ति का बहुजन समाज जैसा विशाल रूपी होना चाहिए, जो बहन जी भली भांति कर रही है। इस पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। आप थे राजू भारती, जिन्होंने बखूबी बहुत खूबसूरती से बताया कि वो कोई बहन जी का बंगला नहीं है, वो बहुजन समाज के प्रेरणा जो महान पुरुष हैं उनकी प्रेरणा स्थल है, और बहन कुमारी मायावती जो बहुजन समाज के इकलौती नेता हैं, उनको जो 85% बहुजन समाज के लोगों की नेता हैं, तो उनके पास जो होना चाहिए वो उस तरीके का होना चाहिए। अगर 1,000 लोग बैठ के वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या बहन कुमारी मायावती से मिलने आते हैं और प्रेरणा लेकर जाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके का होना चाहिए। सब हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। SM News का खूब खूब आभार।